सिंधी समाज दशहरा उत्सव समिति खंडवा ने इस वर्ष विजयदशमी पर्व पर रावण दहन का आयोजन न करने का निर्णय लिया है। आम जनता की सुरक्षा के हित में किसी प्रकार का कोई सार्वजनिक आयोजन नहीं होगा। श्री पूज्य सिंधी पंचायत के प्रवक्ता कमल नागपाल ने बताया कि समिति में सर्वसम्मति से उक्त निर्णय जनहित में लिया गया है। समाज द्वारा 67 वर्षों से अनवरत विशाल और भव्य पारंपरिक आयोजन किया जा रहा है, लेकिन वर्तमान परिस्थिति में यह सब संभव नहीं। वहीं श्री पूज्य सिंधी समाज के अध्यक्ष श्री गेहीलाल सीतलानी ने शहर की जनता को दशहरे के पावन पर्व की शुभकामनाएं दी, साथ ही कहा कि मन के अंदर रावण को जलाकर संकल्प ले कि हम देश हित और समाज हित के लिए सक्रिय भूमिका निभाते रहेंगे, महामारी को समाप्त करने का हर संभव प्रयास करेंगे। सिंधी समाज दशहरा समिति के सभी शहरवासियों को विजयदशमी पर्व और की शुभकामनाएं भी दी है, साथ ही महामारी के समापन तक सावधानी बरतने का निवेदन भी किया है। खंडवा से ब्यूरो की रिपोर्ट। में विगत 67 वर्षों से रावण दहन का कार्यक्रम किया जाता है। नेहरू स्कूल ग्राउंड पर सिंधी समाज के विभिन्न पदाधिकारियों और उनकी टीम द्वारा रंगारंग भव्य पारिवारिक आयोजन किया जाता है। यह परंपरा पिछले 67 वर्ष से लगातार जारी थी, लेकिन इस बार कोरोना महामारी के कारण परिस्थितियां विपरीत हैं। सिंधी समाज दशहरा उत्सव समिति ने एक सभा करके यह निर्णय लिया, सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया कि इस बार किसी प्रकार का कोई कार्यक्रम नहीं किया जाएगा। जनता को होने वाली असुविधा के लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, लेकिन जो हमने निर्णय लिया है वो जनता के हित में ही है, इसी में सबकी सुरक्षा है, सावधान रहने में ही सबका भला है। सिंधी समाज को अभी तक आप सबने जो सहयोग दिया उसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। साथ ही साथ समाज की ओर से सभी शहरवासियों को विजयादशमी पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नववर्ष आपके लिए शुभ हो, मंगलकारी हो। मैं कमल नागपाल, सिंधी समाज का प्रवक्ता। हमारे खंडवावासी, खंडवा के बंधुओं से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सिंधी समाज दशहरा नहीं मना रही है। इसके लिए ये कोविड-19 की बीमारी है, इसके कारण सिंधी समाज ने इसलिए दशहरा बंद कर दिया कि किसी को कोई नुकसान होने नहीं पाए। इस पर्व की सिंधी समाज की ओर से अनगिनत बधाई आप लोगों को। सिंधी समाज की ओर से बधाई लेते हुए आपसे प्रार्थना है कि अंदर रूपी दो प्रवृत्तियां रहती है, एक राम रूपी एक रावण रूपी, तो रावण रूपी प्रवृत्ति को आज संकल्प लें विजयदशमी के पुण्य दिवस पे, पुण्य पर्व पे, कि रावण रूपी प्रवृत्तियों को हम नाश करेंगे और राम रूपी प्रवृत्तियों को सुरक्षित रखेंगे। यही संकल्प हमारा राष्ट्र धर्म के लिए बहुत उपयुक्त होगा। जय भारत, जय हिंद। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।